बाबा की वंदे मातरम वंदे मातरम। आज मंडकोला गांव के हमारे बहुत ही सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा आपको पहले से जानकारी दी गई होगी कि मेरा पिछले कुछ समय से गांव के लोगों से प्रत्यक्ष जाकर के बातचीत करना, इसका कार्यक्रम मैंने शुरू किया है। 3 दिन का पहला कार्यक्रम भिवाड़ी जिले में करके आया मैं 2, 3, 4 अप्रैल को, और अब आज से 12, 13, 14 तीन दिन पलवल जिले का ये कार्यक्रम मेरा ये आज होगा। लगभग 15 गांव में मेरा जाना हो जाएगा, और मेरी हेतु यही है, जाने का मेरी जो इच्छा है कि आखिर जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं और जिन काम को प्यार मिलता है, उनसे बातचीत करने के बाद ही पता लगेगा कि जो हम करते हैं वो नीचे पहुंचता कि नहीं पहुंचता है। जानकारी लेनी चाहिए ना। और एक बड़ा अंतर मैं देखना भी चाहता हूं, वो है कि नहीं है। हमने जो कहा था चुनाव लड़ते समय कि कांग्रेस के एक उस समय जो प्रधानमंत्री होते थे, अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने एक बार जयपुर में कहा था कि हम सरकार का ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जाते जाते आखिर गांव में पंचायत में सिर्फ 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे का पता नहीं लगता कहां गए। और हमने उसी बात को चैलेंज मानते हुए व्यवस्थाएं कुछ ऐसी की हैं कि हमने घोषणा की थी, मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम 1 रुपया ऊपर भेजेंगे तो नीचे 99 नहीं पूरे 100 पैसे पहुंचने चाहिए, उसमें कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। आप प्रत्यक्ष जाके पूछेंगे, कोई जानकारी लेंगे, तभी तो पता लगेगा। हमने 8 साल में अपने पिछले दूसरा कार्यकाल ये हमारा चल रहा है, जितने काम आपकी सेवा में मैक्सिमम करने के थे वो हमने किए, और नरेंद्र मोदी जी ने, मैं कहता हूं कि पिछले 8-9 साल के अंदर देश में जिस प्रकार की राजनीति की है, राजनीति के मायने ही बदल दिए। जिनके राशन कार्ड बनने चाहिए थे बने हुए नहीं है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 2-3 मंजिल कोठी बनी है, और घर में गाड़ी है, परिवार में कोई एक सदस्य नौकरी भी करता है, वो भी पीला राशन कार्ड का फायदा ले रहे हैं। फायदा सिर्फ 5,000 रुपए साल का, इससे ज्यादा नहीं है वो, लेकिन नहीं जरूरत फिर भी ले रहे हैं। दोनों बातें आती थी कि जिनका नहीं है उनके कार्ड बनवा दो, और कुछ थोड़ा सा हल्की आवाज में कहते थे इनका कट जाए तो अच्छा, वो बात ठीक कहते थे, जिसको जो पात्र नहीं है, जो डिजर्व नहीं करता, जो हकदार नहीं है, उसको क्यों मिलना चाहिए उसको। हमने दोनों काम कर दिए। जब देखा कि हमारे यहाँ 1,80,000 की इनकम जिनकी है, उससे नीचे वाले परिवारों में 12.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड बनने चाहिए, हमने एक क्लिक से दिसंबर में फैसला किया, जनवरी में उनका राशन देना शुरू कर दिया, 12.5 लाख। और इन 12.5 लाखों में ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस गांव के भी थोड़े लोगों का नंबर जरूर आया होगा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जो डाटा दिया गया उसके अंदर 550 नए कार्ड इस गांव में भी बने हैं, 550। पहले सिर्फ 700 थे और अब 1,250 हो गए। आखिर फिर साथ में बहीन मंडकोला तो हो ही गया, बामणी खेड़ा, जंदापुर, इनके भी केर सिंह जी ने ये लिख के दिए थे, तो इसमें भी इनकी लाइब्रेरीज, वहां भी जो पैसा लगेगा वो लाइब्रेरी भी मंजूर की जाती है। बहीन, हथीन, बामणी खेड़ा, मंडकोला, जंदापुर, 5 की है ये। इसके बाद यहाँ का जो PHC सेंटर है उसकी क्या दोबारा बिल्डिंग नहीं बननी है? हाँ, ये काम चल रहा है, और ये भी December 23 तक इसके भवन का काम पूरा हो जाएगा। फिर है अनाज मंडी परचेज सेंटर के लिए
इसको भी मंजूर कर दिया है, 1,25,00,000 रुपया लगा के ये प्रदेश सेंटर ये बन जाएगा। कुछ सीवरेज की व्यवस्था बड़े गांव में, इसमें हमने जो हमारे एक्सियन हैं उनको कह दिया है कि जो बड़े बड़े गांव हैं 10,000 से ऊपर की आबादी के जिनको महाग्राम कहते हैं, इनमें मानपुर बहीन गैलब कांटल काटल कोटल बामनी खेड़ा मंडकोला आलीमेव कोट उटावड़ रुपड़ाका इन 10 गांव का, और हमने कहा कि एक एस्टिमेट बना के लाओ, इन 10 गांव में अगर कहीं जमीन की या किसी और चीज की दिक्कत होगी या एनक्रोचमेंट कर रखी होगी पहले तो उसको ठीक कराएंगे, और इन सब तालाबों को इसकी सफाई कराना, उसको गंदगी उसकी मानो ना दोबारा जाए अंदर और पानी भी अंदर ठीक होकर के जाए, फिर उस पानी का उपयोग हम क्या करेंगे, उसकी रिटेनिंग वाल बनानी है, कहीं चारों तरफ जमीन अगर छोटी मोटी बचेगी तो उसमें एक पार्क भी बनवा देंगे, तो ये सारे महाग्राम में एक सीवरेज का जो सीवरेज को कंट्रोल करना और तालाब को साफ करना, ये सारे काम इसके अंदर हम कराएंगे आपके। इन सब गांव का लगभग ये 35-36 करोड़ रुपए का ये खर्च आएगा, और उसके लिए भी जैसे एस्टिमेट बढ़ के आएंगे वैसे उसमें से दे देंगे। फिर मंडकोला गांव में पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस, उसकी मरम्मत ये तो कंप्लीट हो गया, ये 3.5 करोड़ की लागत से नया बन रहा है कि बन गया, चलिए बहुत अच्छा, इसके लिए बधाई। फिर दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे केएमपी हाईवे पलवल नू पीडब्ल्यूडी से मंडकोला रोड से सर्विस रोड बनाकर लिंक, ये तो सारा अनाउंसमेंट हो ही गई है और इसको भी जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। मंडकोला से मंडनाका ये ना 4 किलोमीटर की जो सड़क है उसकी रिपेयर ये भी शुरू हो गई है, टेंडर हो गया है इसका, 6 तारीख को इसका टेंडर कर दिया है, अभी 8 दिन पहले जल्दी इसका वर्क लोड हो जाएगा, ये काम भी पूरा हो जाएगा। फिर धतीर से मंडकोला जिस सड़क से मैं अभी आया हूँ 3.5 किलोमीटर का ये सड़क है, जब मैं धतीर से चला तो अधिकारियों ने कहा कि हम आपको इधर से नहीं ले जाएंगे, हम आपको पलवल होके लाएंगे, मैंने क्यों, फिर साहब सड़क ठीक नहीं है, मतलब जो ठीक नहीं है मुझे वही देखनी है। आप बैठो आपकी बात सुनेंगे अरे आपकी बात सुनेंगे बैठो, अभी तो मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, अभी आपको अपनी बता रहा हूँ, तो अभी तो ये यहाँ तक है मंडकोला तक, ये सड़क भी जो है 3,20,00,000 रुपया इसका मंजूर कर दिया। आपके गांव के चाहे कम काम हो ज्यादा हो, हमने तो देखो इस गांव की जो आबादी है, आबादी कितनी है यहाँ की 18,000 के लगभग है, 18,000 का मतलब ये हो जाएगा कि हरियाणा स्टेट का जो ग्रांट आपको आनी है 3,60,00,000 रुपया अगले साल के लिए अभी मंजूर कर दिया, साल भर में ही आती रहेगी, अपना काम अपना कराते रहे, इसलिए कोई कमी नहीं है यहाँ, तो केवल गांव के लोगों को अपना काम कराने के लिए सिस्टम अपना खड़ा करना चाहिए, पंचायतें रेजोल्यूशन बना करके, और जो बड़े काम है वो टेंडर से कराएं, छोटे काम है वो अपने ठेकेदारों से करा लें।